लड़की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आप देखेंगे ना देखते ही रह जाएंगे। काम क्या करते हैं आप? ये अपनी करियाने की दुकान है, जाती है, बस वही चलाते हैं। और घर? अरे बहन, घर भी अपना है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस एक चांद सी खूबसूरत दुल्हन की जरूरत है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी भी दो ही शर्तें हैं, पहली ये कि निकाह अगले हफ्ते होगा और बिल्कुल सादगी से होगा, और दूसरा ये कि इनकी शादी और बच्चों के बारे में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। जी जी नहीं करेंगे, आप लड़की को तो बुलाइए। बुलाती हूँ। लाइबा बेटा, जरा एमल को बुला के लाओ। लड़की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आप देखेंगे ना देखते ही रह जाएंगे। चाय बन गई? हाँ एमल, ये चाय ले जाओ अंदर। एमल ही क्यों, तुम लेके जाओ ये सब। तुम लेके जाओगी ना तो ज्यादा फायदा होगा सबका। चलो जल्दी से लेके जाओ, जाओ जल्दी करो। जल्दी करो, क्यों खड़ी हो यहाँ पे, जल्दी करो। वैसे आपने बताया नहीं आप लड़की की क्या लगती हैं। कुछ नहीं, बस यतीम गरीब लावारिस लड़कियां हैं उनको हमदर्दी में रख लिया, उनका निकाह कराना चाहते हैं। अल्लाह करे कुर्बान को लड़की पसंद आ जाए, जिस तरह आप नेक काम कर रही हैं आजकल ऐसे लोग कहाँ करते हैं। राबिया जी, वैसे भी ऐसे नेक काम बहुत करती रहती हैं और गरीब औरतों के मसले तो मिनटों में सॉल्व करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें लड़की पसंद है, इस नेक काम में हम आपके साथ जरूर शामिल होंगे। यतीम बेसहारा को सहारा देना तो हमारे नबी की सुन्नत है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे, बस ये बताएं हम निकाह किस दिन करें। निकाह का मैं आपको एक दो दिन में बताऊंगी, लेकिन इतना मैं बता दूं कि अगले हफ्ते ही होगा। जी हमें इंतजार रहेगा, वैसे हम रिश्ता तो पक्का समझे ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पक्का समझे। तैमूर आप, अच्छा वो आप आ गए, ये लोग क्या हो रही है? तुम एमल और आयजा का रिश्ता तय कर रही? आप एटलीस्ट रिश्ता तो देख लें, लड़के से तो बात कर ले। लड़का? तुम इस उधेड़ उम्र आदमी को लड़का कह रही हो? जैसी लड़कियां होंगी वैसा रिश्ता आएगा ना, मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आ रही इसमें। आज तो मैं आयशा का रिश्ता पक्का करके ही दबूं। राबिया ये रिश्ता नहीं होगा, बात खत्म। आप लोग प्लीज यहां से जा सकते हैं। कोई नहीं जाएगा। बहुत हो चुका राबिया, बस ये रिश्ता होकर ही रहेगा। आयशा अरे चलो चलो, इनका तो मसला ही कुछ और है, चलो। बाबा अपने मामा पे हाथ उठाए, वो भी इन दो लड़कियों की वजह से। एटलीस्ट मामा की इज्जत का तो ख्याल करते आप। चुप करो तुम, और तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। आज आपने मामा पे हाथ उठाया, कल तो आप धक्के देके हमको घर से निकाल देंगे ना। मेरी और मामा की तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है इस घर में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम अपनी माँ की इस घिनौनी साजिश में शामिल थी, तुम्हें पता था ये सब कुछ होने जा रहा है। हाँ पता था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये लड़कियां हमारी जिंदगियों से दफा हो जाएं। भेज दूंगा, लेकिन इस तरह नहीं, इज्जत के साथ रुखसत करूंगा। सुन लो तुम दोनों, Yes।
उन दोनों का क्या डर है? मैं जानती हूं कि तैमूर को भी उन्होंने बताया। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।